हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने निकाला है, जिसमें उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए कुछ वैकेंसीज को दिखाया है, और साथ ही साथ उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो वैकेंसीज हैं वो उस नोटिफिकेशन में आपको मिलेंगी। तो चलिए हम वो नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो नोटिफिकेशन देखने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए और उसे ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए इन टाइप्स के जो वीडियोज हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप मेरे कोई भी वीडियोज को मिस ना कर सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम देख लेते हैं वो इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने निकाला है। तो सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको नया विंडो ओपन होगा, तो इसमें आपको जाना है curag.ac.in, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नया विंडो ओपन होगा, तो इस विंडो में आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको बॉटम में रिक्रूटमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है रिक्रूटमेंट में, और इसके बाद आपको जो है नया विंडो ओपन होगा जो कि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे जितने रिक्रूटमेंट होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में, तो उसका पूरा नोटिफिकेशन और उसके मिलेगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जाना है टीचिंग रिक्रूटमेंट पे। तो आपको जैसे टीचिंग रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको जो डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट है वो आपको मिल जाएंगे। तो अब हम देखते हैं जो नया रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट आया है वो क्या है। रोलिंग एडवर्टाइजमेंट नंबर 943, जो कि 20 जुलाई 2020 को रिलीज किया गया है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद नया विंडो ओपन होगा, तो इसमें देखिए लिखा है फैकल्टी रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 943 डेटेड 20 जुलाई। तो 20 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेरियस पोस्ट है, जैसे कि प्रोफेसर की पोस्ट है, वही एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है। इसके साथ ही साथ इन्होंने डिपार्टमेंट भी मेंशन किया है, जैसे एटमॉस्फेरिक साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, लाइक दैट। इन्होंने डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट भी मेंशन किए हैं, और साथ ही साथ इन्होंने जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी मेंशन कर रखी है, जैसे EWS में 1, OBC में 1। तो यहाँ पे जहां पर भी आप सुटेबल है, जिस कैटेगरी में आप आते हो, तो उसके हिसाब से जो है आप ये जो एडवर्टाइजमेंट है उसे देखिए और आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने स्टेटस में दे रखा है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए। तो देखिए हर डिपार्टमेंट के सामने इन्होंने अप्लाई ऑनलाइन का बटन दे रखा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप जब भी क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से जो ये फॉर्म है उसे फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसका जो मेन एडवर्टाइजमेंट है वो कहाँ है। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये आपको एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स मिलेगी, तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नया विंडो ओपन होगा जहाँ पे आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा है, आपको जिसमें भी सुटेबल हो आप उसमें इसे इस नोटिफिकेशन को या इस एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। तो जैसे ही आप इस नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो देखिए इसमें दे रखा है रोलिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर टीचिंग पोजिशन। तो ये क्या एक रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है, इसमें कि फर्स्ट फेज ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन विल बी ऑन अगस्त 10, 2020। तो आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो अगस्त 10 तक जितने भी फॉर्म आएंगे विद सफिशियंट नंबर ऑफ एप्लीकेशन, उसके बाद ये क्या करेंगे कि नेक्स्ट फेज के लिए जो है नोटिस देंगे, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया है कि एप्लीकेशन फी भी मेंशन कर रखी है। तो अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो द एप्लीकेशन फी विल बी 1500। अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी के तो एप्लीकेशन फी जो है वो 750 है। इसके बाद इन्होंने नोट किया है आफ्टर सक्सेसफुल अप्लाइंग ऑनलाइन द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म शुड रीच द यूनिवर्सिटी विद इन 10 डेज। तो इसमें क्या है, आपको फॉर्म को फिलअप करना है, उसके बाद आपको जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, मतलब आपको अपना सिग्नेचर करके आप जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज में जितनी भी जो भी मार्कशीट है आपकी रिक्वायर्ड है उन सबको आपको भेजना है अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी के अंदर विद इन 10 डेज। ओके, तो यूनिवर्सिटी में आपको इसका जो हार्ड कॉपी है वो सेंड करना है विद इन 10 डेज। इसके बाद आप नीचे आ जाइए, तो नीचे देखिए इसमें पूरी डिटेल दे रखी है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर। तो इन्होंने दे रखा है, देखिए पोस्ट दे रखी डिपार्टमेंट और वैकेंसी जो भी मैंने आपको बताया कितनी पोस्ट है इस कैटेगरी में। तो अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे केमिस्ट बायोटेक्नोलॉजी था, तो बायोटेक्नोलॉजी में देखिए एक जो है ओबीसी में सिर्फ एक वैकेंसी है, ओके, वही बैकलॉग है। इसके बाद इन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी भी दे रखी है, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी भी देख सकते हैं, जैसे कि इन्होंने 3 मिनिमम एलिजिबिलिटी दे रखी है। यानी कि पहला क्या है, एन एमिनेंट स्कॉलर हैविंग अ पीएचडी डिग्री इन अ कंसर्न ऑफ द ऑब्लिक रिलेवेंट डिसिप्लिन।
तो अगर आपका पीएचडी डिग्री है और साथ ही साथ इसके इन्होंने मेंशन किया, अगर आपके पास मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशन भी होने चाहिए कुछ अच्छे जर्नल में, जो यूजीसी ने यूजीसी ने बोले हैं कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल्स, उसमें आपके जो है मिनिमम 10 रिसर्च पेपर होने चाहिए और इसका स्कोर 120 होना चाहिए। तो ये आपका हो गया एक एलिजिबिलिटी। दूसरी एलिजिबिलिटी अगर हम देखें तो मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटी और कॉलेज। तो दूसरा एक्सपीरियंस क्या, अगर आप किसी कॉलेज में मिनिमम 10 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, इन्होंने बोला या एन आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हैविंग अ पीएचडी डिग्री इन द रिलेवेंट अलाइड डिसिप्लिन फ्रॉम एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री। ओके, तो इन्होंने क्या बोला है, कुछ आपका जो एकेडमिक जो है, जो आपका आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल होना चाहिए और आपकी डिग्री भी रिलेवेंट सब्जेक्ट में या रिलेवेंट डिसिप्लिन में होनी चाहिए किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी होगी। तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे और भी सब्जेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, स्पोर्ट बायो मैकेनिक्स, स्पोर्ट बायो साइंस, स्पोर्ट साइकोलॉजी, तो ऐसे करके इन्होंने क्या किया है, पूरा जो एडवर्टाइजमेंट है उसे अच्छे से दिया है। साथ ही आप पे लेवल भी देख सकते हैं, तो प्रोफेसर का पे लेवल है वो ऑलमोस्ट 1,44,200 टू 2,18,200। इसका जो सैलरी बनेगा आपका बहुत ही अच्छा बनेगा प्रोफेसर लेवल पे अगर देखें तो। एसोसिएट का है वो 1,31,400 टू 2,17,100, ठीक है। तो इसका सैलरी बहुत हाई है। तो इसके बाद इन्होंने कुछ नोट भी दे रखा है, तो दिस नोट में इन्होंने दे रखा है, दिस इज रोलिंग एडवर्टाइजमेंट, इफ सफिशिएंट नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन बाय अगस्त 10, 2020, देन इट विल बी प्रोसेस फॉर इंटरव्यू इन द फर्स्ट फेज। तो इन्होंने बोला अगर 10 अगस्त 2020 तक अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ एप्लीकेशन आते हैं तभी जो होगा आपका प्रोसेस होगा इंटरव्यू, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप होगा इंटरव्यू का वो स्टार्ट होगा। उसके बाद इन्होंने बोला एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम अदर पोजीशन शैल बी कंसीडर्ड फॉर द नेक्स्ट फेज। इसके बाद क्या होगा, 10 अगस्त के बाद जो भी जितने अदर एप्लीकेशन आएंगे उसका जो है वो सेकंड फेज में इंटरव्यू लेंगे। तो ये सब इन्होंने मेंशन किया है। और इन्होंने साथ ही साथ मेंशन किया कि लास्ट डेट जो है वो आपका रहेगा 10th अगस्त 2020। ओके, एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड टिल डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ इंटरव्यू, यानी कि अगर अब इन्होंने कोई लास्ट डेट मेंशन नहीं की लेकिन उन्होंने बोला है कि आप जितना जल्दी हो सके 10th अगस्त 2020 तक से पहले ही आप अप्लाई कर दीजिए, और इंटरव्यू से पहले तक अगर आप अपना जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म है वो हार्ड कॉपी का सेंड करते हैं तो वो रिसीव करेंगे, तो दैट विल बी एलिजिबल। नेक्स्ट, द स्क्रूटनी कमिटी रिजर्व द राइट ऑफ डिसाइडिंग डिसिप्लिन एज कंसर्ड और एलाइज रिलेवेंट वाइज स्क्रूटनी एप्लीकेशन। ओके, तो ये एक मेरा छोटा सा नोटिफिकेशन था। इसके बाद इन्होंने कुछ टर्म्स और कंडीशन भी बताई हैं, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ ये जो एप्लीकेशन फी है वो मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो है, इसके बाद आई थिंक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जितना मैंने आपको बताया उतना ही आपके लिए सफिशियंट है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका पे स्केल बहुत ही अच्छा है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत ही अच्छा है, आपका पे स्केल इसमें अच्छा मिलेगा। तो यहीं पे मेरा ये वीडियो जो है वो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।